कोरोना का नया ओमिक्रॉन वेरिएंट दुनिया भर के साथ अब भारत में तेजी से पांव पसार रहा है। अब तक वेरिएंट देश के 8 राज्यों तक फैल चुका है। सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में है। राज्य में 17 लोगों में इस संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके बाद राजस्थान में 9 लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। भारत में 4 नए मामलों में पहला आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से मिला। जिस मरीज में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है वो हाल ही में आयरलैंड से मुंबई होते हुए यहां पहुंचा। उधर चंडीगढ़ का मरीज इटली से आया है। वहीं कर्नाटक में दक्षिण अफ्रीका से आया 34 वर्षीय शख्स इस वेरिएंट से संक्रमित पाया गया है। इसके अलावा नागपुर में 40 साल के व्यक्ति में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। रविवार को ओमिक्रॉन के 4 और मरीज पाए गए हैं। ये मरीज चंडीगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मिले। इसके साथ ही देश में अब तक 37 लोग ओमिक्रॉन वेरिएंट का शिकार हो चुके हैं। आंध्र प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि अब तक 15 यात्री कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इन सभी के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिए गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि और कितने मरीज नए वेरिएंट का शिकार हुए हैं। राहत की बात यह है कि ओमिक्रॉन से अब तक किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि ओमिक्रॉन भले ही तेजी से फैल रहा है लेकिन डेल्टा की अपेक्षा में यह कमजोर है।